तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया, आज हम जा रहे हैं रोहतांग पास, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। अभी फ़िलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हुए हैं और हमारे भाटी भैया गाड़ी साफ़ करने में लगे हुए हैं, जिस काम में वो सबसे ज़्यादा माहिर है, जैसा कि आपको पता ही है सफाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों का प्लान है कि ये लोग कपड़े रेंट पर नहीं लेंगे, ऐसे ही लेके जा रहे हैं और ये सारे के सारे ठंड में सिकुड़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को इनकी हालत दिखाऊंगा ऊपर जाके। देखिए इन कपड़ों में लोग रोहतांग पास जाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। अरे भाई सब तो कुर्ते में ही, एक तो आप देख रहे हैं ऊपर जाके मजा आने वाला है। गाड़ी में बैठने वाले हैं और हम लोग बर्फ में एंजॉय करने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम इनको इन्हीं कपड़ों में बाहर निकाल दें, अगर ये निकल पाए तो, नहीं निकले तो गाड़ी में बैठे रहेंगे, व्यू देखेंगे लोग। अटल टनल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी चेकिंग वगैरह चल रही है बढ़िया तरीके से। हमारी गाड़ी में भी अगर कुछ हुआ तो ये लोग ऐसे जाने नहीं देंगे, है कि हमारी गाड़ी में कुछ। आप देख सकते हैं चेकिंग बहुत ही बढ़िया वाली होती है। बस बहुत छोटी सी चेकिंग करी इन्होंने। चेक पोस्ट है बेसिकली, यहाँ पे लोग पास देखते हैं शायद कि आप पे पास है या नहीं। पास वाले नहीं है। ओह तो यहाँ भी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ कोई गलत सामान मत लेकर आना, फंसोगे। देखो लगा दो फिर चेकिंग के बाद। ओके चल रही है चेकिंग एकदम। उधर जाए पाजी, उधर पाजी डिक्की खोल दो भैया। क्या करेंगे डिक्की खोल के, डिक्की खोल। तो एज यूजुअल हमारी गाड़ी खाली पड़ी है तो चेक करने को भी कुछ नहीं ज़्यादा, लेकिन जिनके पास सामान है आप देख सकते हैं ऐसे बैग वैग प्रॉपर चेक हो रहे हैं खोल खोल के। टफ लाइफ। मोर चेकिंग पॉइंट, फी बैरियर। इनको पास दिखाना है। यहाँ पे कोई फी लगती है भैया? पास दे रहे हो क्या? हाँ हाँ
तो गाइस पास के बाद भी आपको यहाँ पे पर्ची लेनी पड़ती है अगर आप जा रहे हैं तो। पर्ची कितने की है? 200 की। 200 की गाइस यहाँ पे पर्ची कटेगी और 200 के पास के पैसे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। भैया मेरे पास है, दिखा दो, पेड है बता दो। 200 रुपये पे कर रखे। साइड पे तो यही मिला था रोहतांग पास वाली की, ये नहीं है। यार बड़ी मुश्किल से अभी कोई बंदा मिला है जो हमें जुगाड़ से पास दिलवाने वाला है, पैसे खाएगा 1000 रुपए। होपफुली उसके उस पास से हमें रोहतांग पास में एंट्री मिल गई तो हम आपको बर्फ दिखाएंगे, नहीं तो आप लोगों के साथ साथ हमारा भी मूड खराब होने वाला है आज, वरना हम इधर उधर ही घूमेंगे। बट होपफुली चांसेस है कि हम रोहतांग पास पहुंच जाएं। क्यों भाई लोगों, आप लोगों को कितनी कितनी उम्मीद है? हमें तो पूरी उम्मीद है जी, हिंदुस्तान में जुगाड़ से ही काम होता है। बाटी भैया पहुंचेंगे हम 100%। चलो दोस्तों करिए सब्र, रखिए। गाइस हमने एक झोल करके एक चेक पोस्ट तो क्लियर कर लिया है और अभी दूसरी जगह जा रहे हैं, एक और चेक पोस्ट है। अगर वो और क्लियर हो गया तो अपनी रोहतांग पास में एंट्री पक्की है, वरना यहीं से हम वापस जा रहे होंगे और मैं आपके सामने ऐसे होऊंगा। देखते हैं, खुशी भी हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो एक भाई साहब ने आगे गाड़ी फंसा दी, हम लोग परेशान हो रहे हैं। यार आइटम है आगे लिया नो, भाई आगे जा सकता ना, पीछे सबसे गालियां खा रहा। पूरा जाम लगाते हुए चुके हैं, पर आप लोग हालत देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है सब। तो यार रोहतांग पास हम लोग पहुंच चुके हैं और ऊपर जाने के लिए घोड़ा लेना पड़ेगा। भाई ठंड बहुत ज्यादा है और लग नहीं रहा मैं ऊपर जाके ब्लॉग बना पाऊंगा, कोशिश करूंगा बोल पाऊँ, बट हवा बहुत तेज है यहाँ पे इस वक्त। बाकी दो लोग नहीं जा रहे मेरे साथ ऊपर, उनकी तो चेहरे ही रहेंगे हम। चलो देखता हूँ आगे जाके। तो गाइस बहुत हिम्मत दिखा के कुछ ऊपर तक हम आ गए। स्कूटरों में काफ़ी लूट वूट मचा रखी थी यहाँ पे, स्कूटर घोड़े तो नहीं लिए, पैदल पैदल आ गए। सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखाई भाई इस इंसान ने। भाई ये बंदा पैदल चढ़ता चला गया, जो लगा थक जाएंगे नहीं चढ़ेंगे, पर भाई हिम्मत है, मैं इनके भरोसे पर चढ़ाऊँ। बहुत स्लिपरी रास्ता था, देख सकते हैं बर्फ़ कितनी ऊपर तक काफी है। यहाँ पे लोग स्लाइड करते हुए गिर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कई हादसे हो चुके हैं। एक दो, मैंने कैमरा थोड़ा लेट निकाला इसलिए कवर नहीं कर पाया अपना कंटेंट, बट ठीक है गाइस मैं ऊपर जा रहा हूँ, ट्राई कि कुछ अच्छा कवर हो जाए, इफ नॉट। ओ देखो ऊपर दो लोग और जा रहे हैं, उनमें कुछ अलग ही जज्बा है, अपने में नहीं है। क्यों मिस्टर जितेंद्र और ऊपर चलेंगे आप? ये भैया तरीका था उतरने का या फिसल चुके हैं ये तो बताते जाइए। भैया यहाँ फिसले थे, वाह यार। हे गाइस मैं ऊपर तक तो आ चुका हूँ, किसी को ये नहीं पता कि नीचे जाने का रास्ता क्या है, सारे के सारे यहाँ पे फंसे पड़े हैं। ये भाई लोग भी नहीं बता पा रहे कि नीचे कैसे जाना है।
भाई कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए? बहुत देर हो गई बड़े भाई। एक ये देखिए ये बैठे हैं बहुत, एक घंटे से वो भाई बैठे हुए, देखो तो की गर्दन टूट गई। अरे भाई ऐसे मत डराओ, हम तो बड़े भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। काम कर, अब क्या करना है मुझे नहीं पता। मैं नीचे पहुंच गया तो आगे का ब्लॉग बनाऊंगा, गिर विर गया तो दिल्ली पहुंच के इलाज उलाज करा के काम होगा फिर अपना। एक महीना इंतजार करना पड़ेगा मेरे आने वाले ब्लॉग के लिए। अरे ग्लव्स मेरे को देते थे, फेंक क्यों दिया? अरे यार मैं उसके सारे उतर जाता। बताओ ये भाई की कोशिश देखो। भाई 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 गए, भाई बच गए, भाई की हिम्मत रंग लाई। वो एक लड़का मारा, ये अक्षय कुमार। तो फाइनली हम लोग सीसू वैली पहुंच चुके हैं। ये हमारा अब आज का लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, क्राउड है, और यहाँ पे काफ़ी सारी फूड वेंड्स हैं, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे खाने को मिलेगा। मेरा चेहरा बहुत डल हो चुका है, तो रोहतांग पास से आने के बाद बहुत ड्राइनेस हो गई है, बहुत बर्फ़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। भैया अपने शूट में लगे हुए हैं, वो दोनों भाई लोग बोल रहे हैं अभी नहीं थके भैया, एनर्जी है, बोल कहाँ चल रहा है, कहाँ चल भाई देखो सब में एनर्जी, अभी भी थका कोई नहीं है, लेकिन ये लोग बर्फ में नहीं आए थे। बट ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा ओवरव्यू दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो खाने के काफी सारे फूड स्टॉल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए अखरोट वगैरह का बना होता, बाकी गुरु जी बताओ आप। ड्राई फ्रूट है सर इसमें। अच्छा, अखरोट, अखरोट का स्टफिंग होता है, और हरा धनिया, हरा पुदीना, बढ़िया अच्छे से करना पड़ता है। और बाकी ये सर, ये चीज आप लोगों को कभी भी उपलब्ध करवानी होगी तो होटल पलम धारा शिशु में आ जाना। ये हमारे आज के शेफ ये कह रहे हैं मैं छोले कुलचा अपने हिसाब से बना के खाऊंगा, तो भाई यहाँ पे खुद ही चालू हो गए हैं, भैया के साथ लग गए। कितने की भैया एक प्लेट? भाटी जी एक प्लेट कितने की है? मेरे हाथ से खाओगे तो 100 रुपए की। भाई सब बहुत महंगी प्लेट है। भैया आपके हाथ की कितने की है प्लेट? 50 भाई इसका 50% का डिस्काउंट है। मस्त सेक दिया इन्होंने। अब दे दे एक पत्ता। से कहते ट्रेन लोग। नींबू डाल दो। मतलब मजा बांध दे भाई साहब ने हमारे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कैफे 1947 जो कि आज का हमारा लास्ट स्पॉट है, उसके बाद व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए। आगे आपके पीछे दोस्त आ गया।
मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको